स्वागत है दोस्तों, सत श्री अकाल। मिशन एमपीपीएससी 2019 प्रेजेंटेड बाय जस्ट लर्न के एक नए वीडियो में, और आज हम फिर से आपके लिए मध्य प्रदेश के एक नए टॉपिक, यानी हमने आपको लास्ट वाले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इंडस्ट्रियल सिनेरियो का एक और पार्ट बनाएंगे, जिसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न छूट गए हैं उनको हम आपके सामने फिर से अवेलेबल कराएंगे। तो इंडस्ट्रियल सिनेरियो का दूसरा पार्ट हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पार्ट और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका कि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, और आपके ऑप्शन है 1965, 1960, 1968 और 1956, और इसका सही उत्तर है ए, 1965। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना प्रदेश सरकार द्वारा 1965 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के जो एग्जाम्स होते हैं व्यापम के द्वारा लिए जाते हैं, और मध्य प्रदेश पीएससी में भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में कुल कितने फूड पार्क बनाए गए हैं। पहले ये बताते थे फूड पार्क होते क्या हैं आपको। तो फूड पार्क से तात्पर्य आप जानते होंगे फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, यानी जो कच्चे रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको खाने योग्य पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो वही फूड प्रोसेसिंग फूड पार्क के द्वारा की जाती है। तो प्रदेश सरकार द्वारा इन रॉ मटेरियल्स को सुरक्षित और उन्हें काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सके सुरक्षित रूप से, इसलिए फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। कितने की जा रही है, कहाँ कहाँ की जा रही है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। आपके ऑप्शन क्या है, 1, 4, 6, 8, यानी कितने फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो टोटल फूड पार्क 6 बनाए जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 6 फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ वो आप जान लीजिए, जग्गाखेड़ी मंदसौर में, याद रखिएगा खरगोन के निमरानी में, और मालनपुर में, पिपरिया, बोरगांव, छिंदवाड़ा में, और मनेरी मंडला में। ठीक है, ये प्लेसेस हैं जहाँ फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, बता देता हूँ कि मंदसौर, खरगोन, भिंड, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और मंडला। ठीक है, तो ये 6 जगह जो फूड पार्क वो स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए वो मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न आपका, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना कहाँ की गई है, यानी कब की गई है। ठीक है, और आपके ऑप्शन है 1975, 1972, 1970 और 1965, और इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग की स्थापना 1970 में की गई थी। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी या वस्त्र उद्योग राजधानी इंदौर को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम 1970 में इंदौर में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है व्यापम में भी और मध्य प्रदेश के एमबीपीएससी में भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1970 में वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना की जा चुकी है। अगला प्रश्न आपका, एक्लाइट फैक्ट्री नीमच की स्थापना, आपको तो पता है कि एक्लाइट फैक्ट्री कहाँ है, ध्यान रखिएगा नीमच में है। तो एक्लाइट फैक्ट्री जो नीमच में है उसी की स्थापना कब की गई है, और आपके ऑप्शन है 1968, 69 में, 1970, 71 में, 1975, 76 में और 1979, 80 में। तो आपको बता दें इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी उस 1975, 76 में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा कि जो एल्कोलाइट फैक्ट्री है, एल्कोलाइट मतलब एल्कोहल फैक्ट्री है जो नीमच में स्थापित है, उसकी स्थापना 1975, 76 में की जा चुकी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि एल्कलाइट फैक्ट्री कहाँ या इसकी स्थापना कब की गई। तो ध्यान रखिए, एल्कलाइट फैक्ट्री नीमच में, वो तो आपको पता होगा, और इसकी स्थापना 1975-76 यानी 75-76 में की गई है। अगला प्रश्न आपका, प्रदेश में गेल इंडिया लिमिटेड की शाखा कहाँ पर है, यानी आपको पता है GAIL, गेल एक महारत्न कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है। गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी जो गैस के लिए काम करती है, नेचुरल गैस के लिए काम करती है, उसका जो एक ब्रांच है, उसकी एक ब्रांच है मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है, और आपके ऑप्शन है गुना, बालाघाट, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, और इसका सही उत्तर है ए, गुना। जी हाँ दोस्तों, याद रखना गेल से गुना, गेल कहाँ है, गेल गुना। आप मैच क्रिकेट देखते होंगे तो जो क्रिश गेल है कितने
लंबे गुने गुने छक्के मारता है ना, तो ऐसे याद रखा गेल गुने छक्के मारता है, यानी जो गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो प्रदेश में गुना में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई है? और आपके ऑप्शन है 1961, 1962, 1965 और 1968। इसका सही उत्तर है ए, 1961। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग मतलब लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होने का, बस जैसा प्रश्न है उसमें ही आंसर छुपा हुआ है। तो जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको अच्छा मजबूत करने के लिए, उन्हें वित्तीय रूप से दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई है। कब? 1961 में। ये भी पीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, तो कई बार पूछ लेता है, बार बार ये एक दो साल के प्रश्न रिपीट करता रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? ठीक है, पहले कुछ और था, अब राज्य उद्योग निगम की स्थापना। तो मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की? ऑप्शन देखते हैं क्या है, 1962, 1965, 1969 और 1972। इसका सही उत्तर है 1969, यानी सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, ये भी उद्योगों को, इंडस्ट्रियल क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 1969 में इस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। तो ध्यान, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहीं पुस्तक में कुछ और मिलेगा, बट मैंने इसको ऑथराइज करके आपको बता रहा हूँ, तो ये जो डेट्स ईयर में बता रहा हूँ, ईयर बाय डेट्स बता रहा हूँ, तो ये सेव है। ये मत सोचिएगा कि इस चरण में कुछ और बता रहा है, कहीं और कुछ बता रहा है, उस पर कन्फ्यूज होकर इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो जो इस वीडियो में मैं ईयर और डेट बता रहा हूँ आपको, उसको याद कर लीजिए, और आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डबरा शुगर मिल्स प्रदेश के किस जिले में है? डबरा शुगर मिल्स आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस है, बट कभी कभी पूछा गया ये प्रश्न है कि डबरा शुगर मिल्स किस जिले में आती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, मुरैना, सीहोर, ग्वालियर और शिवपुरी। और इसका सही उत्तर है सी, ग्वालियर। जी हाँ दोस्तों, जो डबरा शुगर मिल्स है मतलब डबरा में जो शक्कर की मिल है, वो डबरा ग्वालियर जिले में आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि डबरा शुगर मिल्स कहाँ है, तो ये ग्वालियर में स्थापित है। अगला प्रश्न आपका, प्रदेश का क्रिस्टल आईटी पार्क किस जिले में है? और आपके ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, कटनी और छिंदवाड़ा। और इसका सही उत्तर है आपका ए, इंदौर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, क्रिस्टल आईटी पार्क जो है हमारे इंदौर में स्थापित है। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा कि आईटी पार्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रिस्टल पार्क को बढ़ावा देने के लिए, जो कि प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित है, ये इंदौर में स्थापित। ध्यान रखें क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ है, इंदौर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाख बनाने का कारखाना प्रदेश के किस जिले में है? और आपके ऑप्शन है बैतूल, उमरिया, जबलपुर, छिंदवाड़ा। इसका सही उत्तर है बी, उमरिया। ठीक है, याद रखिएगा लाख बनाने का कारखाना उमरिया है, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये जरूर याद रखिएगा। तो आने की कई सारी संभावना होती है, क्योंकि पीएससी में या व्यापक एग्जाम में वैसे क्वेश्चन को घुमा फिरा कर बार बार पूछा जाता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा जो भी है। तो लाख बनाने का कारखाना प्रदेश में कहाँ पर है, उमरिया में। अगला प्रश्न क्या है, मेघनगर औद्योगिक केंद्र प्रदेश के किस जिले में है? अब एक बात आपको और बता दूं कि मध्य प्रदेश में 6 ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, जिसे सेंट्रलाइज किया गया है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा वो चलाया जा रहा है या उनको वित्त दिया जाता है। ठीक है, तो वो 6 कौन से, वो मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन पहले प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्या है कि मेघनगर जो औद्योगिक केंद्र है वो कहाँ है? और आपके ऑप्शन है राजगढ़, पन्ना, झाबुआ और गुना। इसका सही उत्तर है सी, झाबुआ। बिल्कुल दोस्तों, जो मेघनगर औद्योगिक केंद्र है
वो झाबुआ में है। ठीक है, मैं आपको मैंने आपको बताया कि 6 ऐसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है या केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान किया गया है, उन्हें वित्तीय मिलती है। ठीक है, तो वो 6 भी बता देता हूँ। तो जो 6 हैं उसमें मेघनगर के अलावा पीथमपुर धार में, ये आपको पता होगा, मुरैना, ये दैट इज नॉट मुरैना, दैट इज पुरैना, पुरैना पन्ना में है, मनेरी मंडला में, पीलूखेड़ी राजगढ़ में और मालनपुर भिंड में। तो ये 6 ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो कि सेंट्रलाइज है, यानी केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है और ये वित्त द्वारा केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदाय है। ठीक है, तो ध्यान, जो प्रश्न है कि मेघनगर औद्योगिक केंद्र का है वो झाबुआ में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स कम समिट 2019 मध्य प्रदेश में कहाँ संपन्न होने वाली है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न मैंने करंट अफेयर्स से निकाला है, लिया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि लास्ट वाला जो हुआ था वो इंदौर में हुआ था। अब फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मध्य प्रदेश में कहाँ 2000 में आयोजित की जाने वाली है, कहाँ, ऑप्शन देखते हैं। कहाँ, ऑप्शन क्या है, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर और भोपाल। और इसका सही उत्तर है इंदौर। जी हाँ दोस्तों, कन्फ्यूज़ नहीं होने का बिल्कुल भी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो बैठती है वो इंदौर में ही, अधिकतम रूप से इंदौर में ही बैठाई जाती है। ठीक है, तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिटी है 2019 में, वो जनवरी लास्ट स्टार्टिंग फरवरी में हर दूसरे साल या हर साल आयोजित की जाती है। तो जो 2019 की है वो इंदौर में होने वाली है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स में भी बन जाएगा और इंडस्ट्रियल सिनेरियो से भी। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है, और आपके ऑप्शन है इंदौर, बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर। इसका सही उत्तर है आपका सी, छिंदवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, एग्रो कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में 4 औद्योगिक कॉम्प्लेक्स में से एक ये भी है, एग्रो कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखिएगा, ये छिंदवाड़ा में ही है। ये कई बार पूछा गया व्यापम और पीएससी में भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि 4 है, तो 4 में एक मैं आई थिंक मेरे हिसाब से लास्ट वाले सेशन में एक मैंने बता दिया था, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, एग्रो कॉम्प्लेक्स जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रश्न, वो स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है, ये याद रखिएगा। और लेदर कॉम्प्लेक्स यानी चमड़ा जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ, देवास में, ये भी आपको पता है। तो ये 4 औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में छाता उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, और आपके ऑप्शन है जबलपुर, उज्जैन, धार और इंदौर। और इसका सही उत्तर है इंदौर। दोस्तों, मैं ये प्रश्न इसलिए रख दिया जिले के नाम को लेकर, जिले के नाम से, कि जो महू, जो इंडिविजुअल एक क्षेत्र विशेष है वो महू है, तो महू जो आता है इंदौर जिले में आता है। ठीक है, तो जो छाता उद्योग के लिए जिला अगर पूछे तो ध्यान रखेगा जिला इंदौर है। ठीक है, अगर महू आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर जिला पूछ ले तो आप कहीं कन्फ्यूज ना कि धार में कि इंदौर में, तो जो महू है वो इंदौर जिले में आता है। ठीक है, तो छाता उद्योग के लिए इंदौर जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रदेश का डीजल इंजन कारखाना किस जिले में है। दोस्तों, ये अभी व्यापम के कुछ कुछ लास्ट एग्जाम हुए थे उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, और बाकी एग्जाम में फिर से रिपीट किया सकता है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रश्न रिपीट करता रहता है, वो कुछ प्रश्न जो अच्छे होते हैं। तो प्रश्न क्या है कि डीजल इंजन का कारखाना जिले में किस जिले में है मध्य प्रदेश के, और आपके ऑप्शन है जबलपुर, उज्जैन, इंदौर और भोपाल। इसका सही उत्तर है ए, जबलपुर। ध्यान रखिए, डीजल इंजन का कारखाना बनाने का, डीजल इंजन बनाना कारखाना जो है वो प्रदेश में कहाँ पर है, जबलपुर में, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, कन्फ्यूज मत होइएगा। डीजल इंजन बनाने का जो कारखाना है वो प्रदेश में कहाँ पर है, जबलपुर में, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम उद्योग के लिए जाना जाता है, और आपके ऑप्शन है इंदौर, बुरहानपुर, अलीराजपुर और झाबुआ। इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका, जो पावर लूम के लिए जाना जाता है वो है आपका बुरहानपुर। ठीक है, तो ध्यान रखना, पावर उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बुरहानपुर। ध्यान रखना, जो हमारे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है बुरहानपुर, तो बुरहानपुर को पावर लूम उद्योग की जननी या
भूमि कहा जाता है, पावर लूम उद्योग की भूमि कहा जाता है अलीराजपुर को, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। ध्यान रखिएगा पावर लूम उद्योग के लिए बुरहानपुर जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका, पेलू खड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? और इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन देखते हैं, ग्वालियर, भिंड, राजगढ़ और मंडला। तो आपको शायद पता होगा, मैं अभी लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, राजगढ़। ठीक है, तो पीलीखोड़ी जो औद्योगिक केंद्र है वो राजगढ़ में स्थापित है। ठीक है, अभी मैंने आपका बताया कि छह जो ऐसे केंद्र औद्योगिक क्षेत्र है जो कि सेंट्रलाइज्ड हैं, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत पदार्थ है, तो पीलीखोड़ी भी उन्हीं में से एक आता है। तो पीलीखोड़ी औद्योगिक केंद्र राजगढ़ में। तो दोस्तों ये रहा इंडस्ट्रियल सिनेरियो का दूसरा पार्ट, और इस पार्ट के साथ ही इंडस्ट्रियल सिनेरियो वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है। और इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे, इस टॉपिक से और कुछ नहीं बन सकता। हाँ, करंट अफेयर्स के सिनेरियो से देखें तो उसमें बन सकता है आपका। तो अगर कुछ हुआ तो मैं आपको उसके करंट अफेयर्स के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपके ये सफिशियंट प्रश्न है। ठीक है, परेशान मत होइएगा, जितना है उतना कर लीजिए। मैं आपको इसके लिए दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होंगे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, इसलिए ध्यान से करें। और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें इस बात की खुशी देता है कि हाँ, हमने अच्छा किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, और साथ में शेयर जरूर करें, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को तो उन्हें भी खुशी मिलेगी कि हाँ, हमारे फ्रेंड ने हमें कुछ दिया है या हमारी हेल्प की है। और साथ में क्या, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा वीडियो आपके सामने, आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में हमेशा आता रहेगा। ठीक है, और आप अपने सजेशन कमेंट्स में हमें दे सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं थोड़ा बैक करके आपको बताना चाहूँगा इस प्रश्न में। ठीक है, बोलते समय कुछ और निकल गया और कुछ और मैंने टिक कर दिया, तो इसका जो सही उत्तर है वो सी है, इंदौर। ठीक है, ध्यान रखिए डीजल इंजन बनाने का जो कारखाना है वो इंदौर में है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो डीजल इंजन जो मैंने कुछ समय पहले जबलपुर में बताया था, वो मिस्टेक से निकल गई थी जुबान से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपके, आप लोगों से। पर ध्यान रखिएगा डीजल इंजन बनाने का कारखाना इंदौर में है। ठीक है, अब ये क्लियर कर लीजिएगा। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, और मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और साथ में एक और कि फेसबुक पेज हमारा जस्ट लर्न नाम से, आप उसे लाइक करें और उसे फॉलो करें और अपडेट रहिए। और एक बात और कि खुश रहें, आज में जिए और अपनी ज़िंदगी को पूरी खुशियों के साथ जिए। किसी भी चीज़ को टेंशन लेकर या प्रॉब्लम समझ के मत सॉल्व करिए, उसे खुशियों के साथ सॉल्व करिए। डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और अपनी टारगेट की ओर, अपने गोल की ओर पूरी तरह से पैशनेट रहें, खुशियों के साथ आगे बढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और ये भी कि करते रहिए कुछ ऐसा काम कि दुनिया करे आपको सलाम। इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।